31 अप्रैल 1952 में स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त पंडित बिशंबर सिंह व वीरांगना माता रामकली देवी के यहाँ जन्मा एक बालक शुरू से ही योग, यज्ञ, स्वास्थ्य सेवा व परोपकार का रुझान लिए था। तरुणाई में उसे सिनेमा नहीं संत ही भाए। 16 वर्ष की आयु में उसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, "You have prepared yourself for service to God, country and your fellow men. I wish you Godspeed." इस ही छोटी उम्र में पाक छाताधारियों को पकड़वाने में इस तरुण की बहादुरी को फील्ड मार्शल जनरल सैमुअल मानेक शाह ने सम्मानित किया। सेना व पुलिस के प्रति आकर्षण व अभिनय के शौक भी इन्हें अध्यात्म व अभ्यास से विमुख न कर सके, क्योंकि इन्हें तो गुरु ही बनने के लिए रचा गया था। इनका व्यसन पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, कबीर सरीखों से दोस्ती और बजरंग बली की सेवा ही रहा, जिसने इन्हें फौलादी जिस्म के दिल्ली श्री, अर्जुन व प्रताप श्री, हिमाचल श्री व भारत श्री जैसे खिताब और योग सेवा का धर्म दिया। मात्र 21 वर्ष की आयु में 1973 में मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना करके अपने ज्ञान को तिजोरी में बंद रखने या मात्र कमाई का साधन बनाने के बजाय अपने ज्ञान व स्वयं को अपने असंख्य शिष्यों में घोल दिया। योग गुरु स्वामी भारत भूषण मात्र 39 वर्ष की आयु में योग साधना के क्षेत्र में राष्ट्रपति से पहला पद्मश्री सम्मान पाने वाली विभूति हैं। इन्हें CCS यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट की उपाधि भी प्राप्त है। गृहस्थ सन्यासी के रूप में विख्यात गुरुदेव ने 1990 से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत करके योग का संदेश करीब 60 से अधिक देशों तक पहुंचाया। योग साधना के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पुलियान इंटरनेशनल क्लब चाइना द्वारा ग्लोबल जेम ऑफ योग, जी न्यूज उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा अवध सम्मान व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साथ ही एम्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। इंडिया टुडे द्वारा 2011 में इन्हें भारत के 50 ऊंचे और असरदार लोगों में शुमार किया गया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स ने इनके व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। गुरुदेव ने अनेक मंत्रालयों, प्रशासनिक व पुलिस अकादमी, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, विश्वविद्यालयों इत्यादि में विशेषज्ञ के रूप में योग शिक्षा की शुरुआत की। महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गवर्नर समेत देश विदेश की अनेक विभूतियों ने मोक्षायतन योग संस्थान पहुंचकर उनके योग व समाज सेवा अभियान को सराहा। गुरुदेव ने योग केंद्र, जिम्नेजियम, स्कूल, कॉलेज की स्थापना करने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए 1990 से मानवता की भेदभाव रहित सेवा के लिए लाइव ब्लड बैंक की शुरुआत करके युवा शक्ति को देश व मानवता के लिए उपयोगी बनने की दिशा दी। गुरुदेव के अनेक शिष्य आज अनेक देशों में भारतीय योग का परचम लहराने के साथ साथ योग अध्यात्म द्वारा एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय योग की मौलिकता को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा आरंभ किया गया भारत योग आज विश्व भर में व्यापक रूप ले चुका है। वह भारत योग पर 40 से अधिक टीवी शोज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं। दुनिया के इतिहास में ये पहली घटना थी जब दो देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने 2018 में गुरुदेव के योग सत्र में एक साथ योगाभ्यास किया। इसी वर्ष 2018 में 21 जून को संयोग वश जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, आई इंसिडेंटली हैपन टू बी ऑन ए फॉरेन विजिट इन सूरीनाम। दिस वाज द फर्स्ट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दैट टू हेड्स ऑफ द स्टेट्स ज्वाइंड एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो मंच पर सुशोभित हैं हमारे स्वामी भारत भूषण जी, उस योग कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन योग व मानवता के कल्याण को समर्पित किया है। विश्व भर में फैले योग साधकों की ओर से जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धेय गुरुदेव को कोटि कोटि नमन।